बार जेलियांग ट्राइब का मोरंग में आया है, अंदर में जानवर का हेड बहुत है बोला है, तो आप लोगों को दिखा देगा। वैसे दोस्त के घर पे इनवाइट किया सुबह का खाना खाने, आइटम तो इतना ज़्यादा है यहाँ पर। गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेड्रू प्लेस। कल आधे में यहाँ पे सो गया टेंट लगा कर, और रात को अभी भीजा हुआ है, रात को बहुत ठंड था कसम से, और हवा भी इतना ज़ोर से मर रहा था ना कसम से, बहुत ठंड लग रहा था। फिर भी यही एडवेंचर है, अब मेरा टेंट आप लोगों को मैं दिखा देगा कि सब कुछ ऐसा था। ये मेरा पावर बैंक, ये मेरा लाइट, चार्जर, बैग, स्लीपिंग बैग, और आज आप लोगों को मैं बस्ती टूर देगा, ठीक है, बस्ती का बस्ती थोड़ा दिखाएगा आप लोगों को। और यहाँ पे भी कॉटेज बना हुआ है टूरिस्ट लोग के लिए, और नीचे में भी है आप लोगों को दिखा देगा। और यहाँ पर कल शाम को मणिपुर से भी आदमी लोग आया है। ब्यूटीफुल माउंटेन, ब्यूटीफुल व्यू, और आज नहा लेगा ऐसा सोच रहा है यहाँ पर कॉटेज में ना नीचे में। और ये माउंटेन देखो ना, वाओ लुक एट दिस, सुबह सुबह ऐसे दिखने के लिए मिलेगा तो वाओ दिन अच्छा हो जाता है। आज का मेरा टारगेट है कोहिमा, ठीक है, आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। अभी नहा लेगा, नहाने के बाद आप लोगों के साथ बात करेगा। बाय बाय। ओके गाइस, तो मेरा पैकेजिंग हो गया है, बैग चकाचक हो गया है। थोड़ा मैं कॉटेज का टूर दे देगा, ये थोड़ा पार्क है बच्चा लोग का खेलने के लिए, पार्क है यहाँ पर छोटा सा, और ये कैंटीन है, ये कैंटीन है, और कॉटेज तो बहुत बना हुआ है। और भैया लोग भी कल मणिपुर से आया है, 800 से लेके 1000 तक ऐसे बोल रहा था वो आंटी जो यहाँ का इंसर्ट है, वो आंटी बोल रहा था 800 से 1000 प्लस ऐसा होगा। ये एक है, ये भी है, अंदर में भी पानी वगैरह सब आता है, ठीक है, बाथरूम वगैरह सब कुछ है। और इसका डिजाइनिंग देखो ना, मत मस्त है। और ये भी एक है, सब ये सब तो लकड़ी का बना हुआ है, और ये तो ईट ईट से बना हुआ है, बढ़िया डिजाइनिंग किया है, आप लोग देख सकता है। कॉटेज नीचे में भी है, और आप लोग जहाँ से भी सो सकता है, सोने के लिए मन है ना, नीचे में भी है आप लोग का। ऐसे ये तो 1000 प्लस 1000 प्लस होगा नीचे में का, ऐसा लगता है 30 प्लस ऐसे कॉटेज होगा, क्योंकि नीचे में भी इतना सारा है। तो देखो ना, ये भी है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, 7 8, बढ़िया मस्त, बढ़िया मस्त, मतलब मस्त एक नंबर बनाया है कॉटेज ना। यहाँ पर भी है ये वाला, आप लोग इसे आकर देख सकते हैं। बेंड्रू विलेज में आने से यहाँ पर टूरिज्म, यहाँ पर जो फॉरेन कंट्री आउट ऑफ इंडिया से ना, आउट ऑफ इंडिया से भी आता है बोलता है, यहाँ पर आकर विजिट करता है। कल मणिपुर से 4 गाड़ी आया है यहाँ पर, मतलब घूमने के लिए, और आपको थोड़ा सा दिखा देगा बोल के, मतलब बढ़िया प्लेस है कसम से। यहाँ 1 महीना 2 महीना भी बैठ सकते हैं आप लोग चेल करने के लिए ना। एक कॉटेज लेके सोएगा सोच रहा था, फिर भी मेरा पास इतना पैसा भी नहीं है जो मैं कॉटेज ले सकूँ, क्योंकि कॉटेज ले लेगा तो बाद में मैं जर्नी कैसे कंप्लीट करेगा ना, तो इसके लिए मैंने बाहर में टेंट लगाया, और आंटी ने भी परमिशन दिया मेरे को, अच्छा लगा। और खाना तो रात को ही खा लिया मैंने, यहाँ चिकन दाल और चटनी वगैरह था, यहाँ पर भी नया बना रहा है वहाँ पर कॉटेज, डिजाइनिंग बहुत बढ़िया है, नीचे में टाइल्स वगैरह भी लगाया है, और ये लकड़ी का पोस्ट है, और यहाँ पर स्टोन दे के उठाया है, बहुत मस्त है एक नंबर। आप लोग यहाँ आने से ना चिल करने के लिए मस्त प्लेस है, मस्त देखो ना इतना बढ़िया। गूगल में भी सर्च करेगा तो सब ये सब सब दिखेगा आप लोगों को फुटेज। और ये किचन है, किचन है, किचन का डिजाइन कुछ ऐसा है, ये मिथुन का सर हुआ। और ये नीचे में बनाया था वो भी लास्ट ईयर बनाया है नया वाला। आप लोगों को ऐसा लगता था भाई ऐसा प्लेस में लेके आएगा बोल के,
और आप लोगों को बस्ती दिखाना ही है। अभी ऐसा मैं प्लानिंग किया है, बस्ती विजिट करेगा और दोस्त एक कल एक दोस्त मिल गया, ऐसे बात कर करके दोस्त बन गया। तो उसने कल मेरे को बोला है सुबह का खाना मेरा घर पे खाओ, ऐसे बोला है उसने मेरे को इनवाइट किया है सुबह का खाना खाने के लिए। अभी भी मेरे को कॉल किया था, कहाँ पे है दोस्त, आ जाओ खाना खाने के लिए, सब कुछ बना लिया ऐसे बोला। थोड़ा मैं मेरा व्यूवर लोग को मैं टूरिस्ट कॉटेज दिखा देगा, उसका बाद मैं आएगा ऐसे बोला उसको। उसने बोला ठीक है आ जाओ जल्दी आ जाओ ऐसे बोला। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बस्ती में भी जाकर थोड़ा मैं एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। और ये बस्ती का ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड। गाइस तो आप लोगों को मैंने ये टूरिस्ट कॉटेज का आप लोगों को मैंने दिखा दिया है ब्लॉगिंग करके। अभी नीचे में जाएगा, बस्ती में जाएगा, दोस्त के घर पे खाना खाएगा, उसका बाद थोड़ा एक्सप्लोर करेगा बस्ती, उसका बाद निकल जाएगा। तो वैसे दोस्त के घर पे इनवाइट किया सुबह का खाना खाने, आइटम तो इतना सारा है, यहाँ पर मांस है, मागुर मांस ना, मागुर मांस एंड चटनी, दाल एंड राइस, बहुत टेस्टी होगा सर। चटनी तो खुशी वैसे है, अरे पहले ये खा लेगा, उसका बाद आप लोगों को बस्ती दिखाएगा दोस्त और हम दोनों। ओके गाइस तो यहाँ पर जेलियांग ट्राइब का मोरंग में आया है, अंदर में जानवर का हेड बहुत है बोला है, तो आप लोगों को दिखा देगा ऐसा है। सब हॉरिन लगा से ना, बियर बियर मनु लगा तो नहीं होला स्नेक स्टिक ऐसा है, हॉरिन है कुछ ऐसा है, मेरे पीछे से व्यू डियर और ऐसा है कुछ मोर नागालैंड का और बेंड्रू विलेज का, और ऊपर भी एक है ना, और ऊपर में भी एक है, वो भी देखा देखा। इस तरफ आप लोग देख सकते हैं व्यू, इतना बढ़िया व्यू है बस्ती का। आप लोग भी विजिट करो, आउट ऑफ नागालैंड से देख रहा है तो विजिट करो, स्टेप है ऊपर में जाने के लिए। तो हाँ अपनी खान बड़े बनाए ना बस्ती मानो खान भाई ना स्टेप खान ऐसा है ब्रो। अंदर में भी मालूम थके से नगा से, अरे ये तो बहुत बढ़िया सा आर्ट किया है, हैंडमेड आर्ट। आई होप आप लोगों को ये व्यू अच्छा लग रहा है शायद। और मेरे पीछे में जो फॉग है, खतरनाक फॉग है, ये तो देखो ना सन भी निकल रहा है और फिर फॉग भी निकल रहा है क्या मौसम है यहाँ का कुछ समझ ही नहीं आता है। ओके गाइस तो आप लोगों को दो मोरन दिखा दिया है नागालैंड का, ये ट्रेडिशनल है ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो और यहाँ पर फॉरेन आउट ऑफ इंडिया से भी आकर आदमी लोग विजिट करता है, और आप लोग भी आउट ऑफ नागालैंड से भी देखने से भी और नागालैंड से भी देखने से भी आकर विजिट करो तो उसका विलेज ना और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और अभी मैं कोहिमा के लिए निकल जाएगा, यहाँ शॉर्टकट है नीचे से, तो नीचे से चला जाएगा। और दोस्त के घर पे खाना खाया, बहुत मस्त था, फिश करी और चटनी और साथ में दाल, मैंने दो बार लेके खाया है अभी मेरा पेट इतना भारी भारी लग रहा है वो भी इतना, यहाँ से बेंड्रू विलेज से कोहिमा 73 किलोमीटर होगा यहाँ से बेंड्रू विलेज से। तो रास्ते में टाटा वगैरह गाड़ी वगैरह मिल जाने से अच्छा होगा। बेंड्रू विलेज का वेलकम गेट है ठीक है, देखो पत्थर से बना हुआ है, स्टोन से। और यहाँ पर कुछ पेंटिंग किया हुआ है, 1951 बनाई से 1951 में बनाया ये गेट कुछ ऐसा है, यहाँ से हैंडमेड ना हाथ से बना हुआ है ये। बेंड्रू विलेज का ब्रिज है ये, देखो खतरनाक ब्रिज क्रॉस कर रहा है भाई। गाइस बेंड्रू विलेज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म कर देगा ठीक है, यहाँ से मैं और कोहिमा के लिए लिफ्ट लेगा। तो
आई होप बेंड्रू विलेज का आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो और बेंड्रू विलेज आप लोग भी विजिट करो, आउट ऑफ नागालैंड से भी होने से भी नागालैंड से भी देखने से भी विजिट करो। बेंड्रू विलेज बहुत बढ़िया है, कॉटेज वगैरह ना टूरिस्ट के लिए बहुत बहुत बढ़िया है, एक नंबर है, ठीक है। और यहाँ का पब्लिक लोग, बस्ती का आदमी लोग बहुत मस्त है, बहुत फ्रेंडली है, ठीक है। वो लोग बहुत बहुत अच्छा से वेलकम करते हैं, उसका भी विजिट करो बेंड्रू विलेज, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। वीडियो यहाँ पर ख़त्म कर दिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, पीस, और नेक्स्ट वीडियो कोहिमा का, ठीक है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और ये सब व्यू है, लुक एट दिस गाइस।